हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। इस बीच आज की सबसे बड़ी खबर जान लीजिए। अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ताजा बयान दिया है। मोदी ने जो बड़ी बातें कही हैं, एक अंग्रेजी अखबार को इंटरव्यू में उन्होंने कहा है कि पटरी पर अर्थव्यवस्था देश की लौट रही है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत निवेश का सबसे बड़ा केंद्र बनेगा। कोरोना वैक्सीन से लेकर कृषि और श्रम क्षेत्र में वैश्विक निवेशकों के लिए बड़े अच्छे संकेत मिल रहे हैं। नया श्रम कानून कर्मचारी और नियोक्ता दोनों के लिए जीत बढ़ाने वाला है। ईपीएफओ सदस्य बढ़ाना बताता है कि नौकरियों की संख्या बढ़ी है देश में। 2020 में अमेरिका से 154 प्रोजेक्ट आए, चीन में केवल 96 प्रोजेक्ट आए। तुलनात्मक के तौर पर चीन और भारत की अर्थव्यवस्था के तौर पर उन्होंने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बड़ी बात कही है, वैक्सीन आते ही सभी को मुहैया कराई जाएगी, हर व्यक्ति तक इस वैक्सीन को पहुँचाया जाएगा। बिना देरी हिला हवाली की वैक्सीन हर व्यक्ति को दी जाएगी और इस वैक्सीन से कोई भी नहीं छूटेगा। इसके अलावा पहले उन्हें वैक्सीन देंगे जिन पर ज्यादा खतरा है, जैसे कि कोरोना वॉरियर्स। देश में 28,000 कोल्ड चेन प्वाइंट बनाए जाएंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने इस इंटरव्यू में बड़ी बातें फार्म बिल को लेकर भी कही। उन्होंने कहा कि जिस फार्म बिल का, जिस कृषि बिल का आज विरोध हो रहा है, जानकार सालों से उसी की तो वकालत कर रहे थे। उम्मीद से तेज पटरी पर लौट रही है इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। बड़ी बात है प्रधानमंत्री मोदी के इंटरव्यू की। मोदी ने बोले कि निवेश का सबसे बड़ा केंद्र भारत बन गया है। 86 प्रोजेक्ट एफडीआई के सिर्फ चीन में आए, जबकि भारत में 154 से ज्यादा प्रोजेक्ट कोरोना काल के दौरान भी आ चुके हैं।